जय हिंद दोस्तों। दोस्तों दुनिया में कहीं पर भी जब दो देशों के बीच व्यापार होता है तो वो डॉलर में होता है, यानी इस व्यापार में न तो अमेरिका कुछ खरीद रहा है न कुछ बेच रहा है। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता होता कि वो देश आपस में क्या खरीद और बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी वो देश अपनी करेंसी को छोड़कर अमेरिका की करेंसी में व्यापार कर रहे हैं। व्यापार में अमेरिका का कोई लेना देना नहीं होने के बावजूद भी वह डॉलर की वजह से पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखता है। दोस्तों दुनिया का लगभग 60% व्यापार डॉलर में होता है। अब आपको यहाँ पर यह जानकर हैरानी होगी कि ग्लोबल ट्रेड में अमेरिका का कॉन्ट्रीब्यूट केवल 10% ही है, यानी ग्लोबल ट्रेड में कम योगदान होने के बावजूद भी वो आधे से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करता है। वैसे तो दुनिया में काफी सारे देश हैं जो डॉलर से निजात पाना चाहते हैं और सब देश अपने अपने स्तर पर कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन सफलता किसी को भी नहीं मिल रही है। लेकिन अब रूस ने डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। हालांकि रूस ये अकेला नहीं कर सकता, इसके लिए उसे भारत और चाइना दोनों देशों की जरूरत पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, रशिया के साथ तो भारत जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि चाइना के साथ भारत क्यों मिल रहा है। दोस्तों चाइना ही नहीं बल्कि टोटल 5 देश हैं जो इस प्लान पर काम कर रहे हैं। दरअसल ब्रिक्स देश मिलकर एक नई करेंसी ब्रिक्स करेंसी लाने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। चैप्टर 1। तो चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर ब्रिक्स करेंसी की जरूरत क्यों पड़ रही है। दोस्तों पिछले 8 दशकों से डॉलर दुनिया की इकोनॉमी पर राज करता आ रहा है। इसकी बादशाहत की शुरुआत पहले विश्व युद्ध के दौरान होती है, जब अमेरिका ने अपने मित्र देशों को सप्लाई देने के बदले में गोल्ड लेना शुरू कर दिया। इसके बलबूते पर अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार बन गया। युद्ध खत्म होने के बाद कई देशों ने अपनी करेंसी को डॉलर के साथ जोड़ दिया। इसके साथ ही दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड का खात्मा हो जाता है और डॉलर दुनिया की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली करेंसी बन जाती है। साल 1999 तक दुनिया के देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में 70% तक डॉलर को रखने लगते हैं। दोस्तों आज के समय में दुनिया में डॉलर का असर ऐसा है कि मानो बाकी देशों की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा के लगाम अमेरिका के ही हाथों में है। वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे संस्थाओं में भी सबसे ज्यादा कोटा डॉलर का ही होता है। दुनिया के रिजर्व बैंक में जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसमें 64% अमेरिकी डॉलर ही होता है। दो देश आपस में ट्रेड करते हो तो डॉलर में करते हैं। अमेरिका अगर किसी गरीब देश को लोन देता है तो वो डॉलर में ही देता है, और जब वापस लेना होता है तो डॉलर में ही लेता है। इसके अलावा अमेरिका वर्ल्ड बैंक और IMF में सबसे ज्यादा योगदान देता है तो वो डॉलर में ही देता है। तो ऐसे में जो भी देश वर्ल्ड बैंक और IMF से लोन लेते हैं उसे भी डॉलर में ही लोन मिलता है। अब अमेरिका डॉलर को कंट्रोल कैसे करता है? दरअसल अमेरिका के फेडरल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी पर सभी करेंसी डिपेंड करती है। फेडरल बैंक ब्याज दरों को बढ़ाता है तो दूसरे देशों की करेंसी का मूल्य गिर जाता है। बैठे बैठे ही किसी भी देश के फॉरेक्स रिजर्व को नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि आज भारत की करेंसी $1 की तुलना में 82 रुपए तक पहुंच चुकी है। भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के पास भी यही उपाय बचता है कि जब अमेरिका अपनी ब्याज दरों को बढ़ाता है तो वह भी अपनी ब्याज दरों को बढ़ाए। इंडिया ने भी तो यही किया, अगर नहीं करते तो हमारी करेंसी और कमजोर हो जाती। यानी सब कुछ अमेरिका डिसाइड करता है कि कौन से देश की करेंसी कितनी मजबूत होगी और कितनी कमजोर रहेगी। इसी कारण की वजह से अब दुनिया के कई देश डॉलर से दूरी बनाना चाहते हैं। चैप्टर 2। आखिर अचानक से डी-डॉलराइजेशन की मांग इतनी तेज क्यों हो गई? चलो दोस्तों यहाँ तक तो ठीक भी था कि एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो कई बार देशों को फायदा भी हो जाता है तो कई बार नुकसान भी हो जाता है। लेकिन हाल ही में अमेरिका ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और उस गलती का खामियाजा उसे डॉलर के खात्मे के रूप में चुकाना पड़ेगा। दरअसल अमेरिका ने डॉलर को एक हथियार की तरह यूज किया है। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर जो ही हमला किया उसके खिलाफ अमेरिका ने कई सारे प्रतिबंध लगा दिए। पश्चिमी देशों ने भी अमेरिका का साथ देते हुए रूस के आधे विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर दिया। रूस के बैंकों को स्विफ्ट तकनीक से भी बाहर कर दिया ताकि वो दूसरे देशों के बैंकों के साथ मनी ट्रांसफर नहीं कर सके। दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका ने तो चाइना को भी धमकाया कि अगर तुमने रशिया का साथ देने की कोशिश की तो हम तुम्हारे ऊपर भी प्रतिबंध लगा देंगे। चाइना ही नहीं बल्कि भारत को भी ये धमकी दी गई कि अगर तुमने रशिया से तेल खरीदा तो हम तुम्हारे ऊपर भी एक्शन लेंगे। दोस्तों जो चाइना दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, उन देशों को अमेरिका धमकी दे रहा है कि रशिया से व्यापार मत करो। और दोस्तों ये सब कुछ किसके दम पर? केवल डॉलर के दम पर। हालांकि भारत ने इन धमकियों की कोई परवाह नहीं की और रूस से लगातार तेल खरीद रहा है। दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये है
कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तब रूस के पास काफी ज्यादा मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 578 बिलियन यूएस डॉलर था, ताकि जरूरत पड़े तो वह उन्हें काम में ले सके। लेकिन एक झटके में अमेरिका ये कह देता है कि आज से तुम उन डॉलर का उपयोग ही नहीं कर सकोगे, यानी जो डॉलर इतने दिन में रशिया ने काफी मेहनत करके इकट्ठा किए थे उसका कोई मतलब नहीं है। रशिया ही नहीं बल्कि ईरान के साथ भी अमेरिका ने यही किया था। तो दोस्तों यहीं पर दुनिया को ये बात समझ में आ गई कि आज तो अमेरिका ने ये केवल रशिया और ईरान के साथ ही किया है, कल ना अगर हम भी अमेरिका की किसी बात को मानने से इनकार कर देते हैं या उसके दबाव में आने से मना कर देते हैं तो वो हमारे ऊपर भी ऐसे ही प्रतिबंध लगा देगा, और जिस रिजर्व भंडार में हम इतना सारा डॉलर इकट्ठा कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चैप्टर 3, इंडिया रशिया एंड चाइना ट्रेड। दोस्तों रूस, चाइना और इंडिया तीनों ही देश अपनी लोकल करेंसी को इंटरनेशनल ट्रेड में यूज कर रहे हैं। रूस और चाइना पिछले काफी समय से ही अपने ट्रेड में डॉलर को कम करने की लगातार कोशिश करते आ रहे हैं। दरअसल चीन के साथ व्यापार में रूस तो पहले से ही युआन का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन यूक्रेन वार के बाद ये व्यापार और ज्यादा बढ़ चुका है। साल 2015 तक दोनों देशों के बीच 90% व्यापार डॉलर में होता था, लेकिन जब अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर शुरू होती है और रशिया के साथ भी अमेरिका के रिश्ते इतने अच्छे नहीं रहते हैं, तब दोनों देश मिलकर अपने ट्रेड में डॉलर का इस्तेमाल कम करने की कोशिश करते हैं, और साल 2019 तक इनके व्यापार में डॉलर की हिस्सेदारी महज 50% ही रह गई। रूस पर तो काफी सारे प्रतिबंध भी लग चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। यानी रूस ने अमेरिका को ये दिखा दिया है कि वह इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन चुका है कि उसके सैंक्शन भी अब उसको रोक नहीं सकते। 2020 में रशिया और चाइना के बीच सिर्फ 46% ट्रेड ही डॉलर में हुआ था, हालांकि इस ट्रेड में उनकी अपनी लोकल करेंसी की हिस्सेदारी महज 24% और यूरो की हिस्सेदारी 30% थी। चीन ने रशिया के अलावा ब्राजील के साथ भी समझौता किया है कि दोनों देश अभी युआन में ट्रेड करेंगे। सऊदी अरब ने भी चीन से कहा है कि वह अब तेल का भुगतान चीन की लोकल करेंसी में लेगा। इसके अलावा फ्रांस ने भी पहली बार लिक्विफाइड नेचुरल गैस का भुगतान चीन से युआन में ही लिया है। खैर दोस्तों, चीन तो अपनी करेंसी को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की कोशिश कर ही रहा है। अब बात करते हैं कि भारत अपनी करेंसी को ग्लोबल ट्रेड में कहां तक पहुंचा पाया है। दोस्तों रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद जिस प्रकार से जियोपॉलिटिक्स में चेंजेज आए हैं, तो भारत ने एक चीज तो समझ ली है कि हमें भी रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड में अब पहुंचाना ही होगा, और इसकी शुरुआत भारत ने उसी समय कर दी थी जब हम रशिया से सस्ता तेल खरीद रहे थे। रशिया को तेल का पेमेंट रुपए में करने के लिए भारत ने वोस्त्रो और नोस्त्रो अकाउंट सिस्टम बनाया था। भारत और रूस के बीच रुपए और रूबेल में व्यापार शुरू हो चुका है। भारत अब इस सिस्टम को दुनिया के कई और देशों तक पहुंचा रहा है। अब तक 19 देश भारत में अपना वोस्त्रो अकाउंट सिस्टम शुरू करवा चुके हैं। वहीं भारत यूएई के साथ भी दिरहम और रुपए में ट्रेड करने के लिए बातचीत कर रहा है। दोस्तों डॉलर का प्रभुत्व खत्म करने के लिए चाइना, रशिया और भारत तीनों अपने अपने स्तर पर तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता किसी भी देश को पूरी तरह से हाथ नहीं लगी है। इसीलिए रूस ने अब ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर इस बड़े गेम प्लान पर काम करना शुरू किया है। चैप्टर 4, ब्रिक्स करेंसी। अब सवाल ये आता है कि ब्रिक्स करेंसी कैसी होगी और ये कैसे काम करेगी, और क्या ब्रिक्स करेंसी डॉलर के दबदबे को खत्म कर पाएगी, क्योंकि डॉलर को चुनौती देने की कोशिश पहले भी की जा चुकी है। दरअसल यूरोपीय देशों ने भी डॉलर पर से अपनी निर्भरता घटाने के लिए अपनी करेंसी बनाई थी यूरो, और कुछ हद तक उसे सफलता मिली भी है, क्योंकि डॉलर के बाद यूरो ही है जो सबसे ज्यादा दुनिया में यूज की जा रही है। आप इस ग्राफ को देखिए, दुनिया में 59% व्यापार डॉलर में, उसके बाद 20% यूरोप की करेंसी यूरो में हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज जानना जरूरी है कि जो ब्रिक्स करेंसी आएगी वो यूरो की तुलना में डॉलर को ज्यादा टक्कर दे पाएगी। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर आपको ब्रिक्स देशों की पावर को जानना जरूरी है। पहली बात तो ये कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अगर हम G7 देशों की परचेजिंग पावर पेरिटी की बात करें तो वो 27% है। वहीं हम ब्रिक्स देशों की बात करें तो उनकी परचेजिंग पावर 33% से ऊपर है, यानी दुनिया का 33% मार्केट ब्रिक्स देशों के पास है। दूसरी बात कि दुनिया की 42% पॉपुलेशन इन देशों में है। धरती के 26% लैंडमार्क्स को ये कवर करते हैं। वर्ल्ड के टोटल एक्सपोर्ट में इनकी हिस्सेदारी 19% है। वहीं 19% ही वर्ल्ड के इंपोर्ट में इनका योगदान है। दुनिया का 19% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी ब्रिक्स देशों में ही आता है। दोस्तों ब्रिक्स करेंसी का पूरा ब्लूप्रिंट रूस की ओर से तैयार किया जा रहा है, और इसी साल यानी कि अगस्त 2023 में इसके बारे में ऑफिशियल रूप से साउथ अफ्रीका में जब ब्रिक्स देशों का समिट होगा वहां पर इसके अनाउंसमेंट की जा सकती है।
अब ये करेंसी कैसी होगी और कैसे काम करेगी, अभी इसके बारे में कुछ क्लियर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कई रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि इसमें कई देशों के पेमेंट कार्ड्स को मिलाकर एक कॉमन कार्ड तैयार किया जाएगा, जैसे कि भारत का रुपए कार्ड, रूस का मीर, ब्राजील का एलो, चीन का यूनियन पे, इन सबको मिलाकर के एक कॉमन कार्ड तैयार किया जाएगा, जैसा कि एक वीजा या मास्टर कार्ड होता है। अब इस कार्ड से किसी भी करेंसी में पेमेंट किया जाएगा तो वो तुरंत ही चेंज होकर दूसरे देश की करेंसी में प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, ब्रिक्स देश पिछले काफी समय से ही वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों ने अपना खुद का बैंक भी बना रखा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक को वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं को टक्कर देने के लिए ही बनाया गया था। आने वाले समय में हमें ब्रिक्स का और भी विस्तार देखने को मिल सकता है। दरअसल ब्रिक्स और SCO संगठन में शामिल होने के लिए दुनिया के 20 देशों ने ऑलरेडी अप्लाई करके रखा हुआ है। तो आप सोच करके देखिए कि पहले से ही ब्रिक्स के 5 देश ही वर्ल्ड इकोनॉमी को कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर इसमें और देश शामिल हो जाएंगे तब हम कह सकते हैं कि दुनिया इस डॉलर के चंगुल से बाहर निकल सकेगी। हालांकि ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर ब्रिक्स करेंसी लॉन्च हो जाती है तो ये डॉलर के खात्मे के लिए उसके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। दोस्तों, ब्रिक्स करेंसी के बारे में आपके क्या विचार है? क्या ये डॉलर के वर्चस्व को खत्म कर पाएगी? इसके बारे में आपके जो भी विचार हो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। वहीं ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।